मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांव में बाढ़ आ गई है, जिससे नावली, वृंदावन और मुकुटपुरा इनका मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। बाढ़ के बीच सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित गांव में सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों के लिए सूखा राशन के पैकेट तैयार करवाए गए हैं। इन पैकेट में पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यहाँ हमने दोनों गांवों में जो सम्मिलित परिवार है उन सभी के लिए ड्राई राशन का पैकेट बना लिए थे, जो जिसमें आटा, आलू, नमक एंड पानी का भी व्यवस्था उसमें हमने इंक्लूड करके 215 परिवारों को हिसाब से हमने अलग अलग पैकेट्स बनाए हैं, जो 3 से 4 दिन के लिए उनको मदद करेगा। तो ऐसे पैकेट्स किए हैं, जो ये पैकेट्स को मुकुटपुरा और नावली वृंदावन में ड्रॉप करेंगे। ये अभी जो चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसमें वर्तमान में 2 गांव हैं, देवालय और आपका मुकुटपुरा, जहाँ पे पानी की वजह से दोनों गांव कट ऑफ हो गए हैं। वहाँ पे ड्राई राशन जो है वो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का जो आया था उसके माध्यम से वहाँ पर ड्राई राशन जो है वो ड्रॉप करवाया जा रहा है, और उनका साथ जो है वो कंटिन्यूस पुलिस प्रशासन की टीम्स जो हैं वो सतत संपर्क में हैं।